नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। फिरोजाबाद में 21 फरवरी को हुई एचडीएफसी बैंक के फील्ड ऑफिसर शिवम गोली मारकर हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया, लूट के इरादे से मारी गई थी बैंक कर्मी को गोली। घटना में इस्तेमाल हुए बाइक और हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बैंक कर्मी की हत्या के बाद एसओजी टीम समेत 5 थानों को दी थी एसएसपी आशीष तिवारी ने खुलासे की जिम्मेदारी। एसपी ग्रामीण ने नेतृत्व में किया घटना का खुलासा। थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में दिया था लुटेरों ने घटना को अंजाम। एचडीएफसी बैंक जो कंपनी बाग के पास में है, वहां से शिवम नामक फील्ड ऑफिसर ऑफिस से निकल के अपने घर के लिए जा रहा था, तो फ्लाईओवर पार करने के कुछ देर चलने के बाद उसको अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हुआ। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के खुलासे के लिए, क्योंकि ये घटना बड़ी अजीब टाइप की थी और एक बैंककर्मी का इस तरह के हादसा हुआ था, तो इसमें जो यहाँ की सक्षम टीम थी, जिसको माना गया कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी मदद मिलेगी, उस टीम में थाना उत्तर प्रभारी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज़। नमस्कार।